हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में संख्याओं पर आधारित न्यूमेरिकल देख रहे थे, उसको सॉल्व करने के तरीके हम सीख रहे थे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके हमने दो वीडियो पिछले बना भी दिए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। आइए हम इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया था कि इसके न्यूमेरिकल जो है संख्याओं पर आधारित हैं, संख्याओं पर बेस्ड। इस चैप्टर का नाम है संख्या पर आधारित न्यूमेरिकल, जिसमें हमको जो है न्यूमेरिकल दिया रहेगा, यानी कि एक सवाल दिया रहेगा या एक थ्योरी दी रहेगी, लिखी रहेगी पूरी, उसकी हिसाब से हमको सवाल लगाना है। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे और उसको लास्ट में हम माइंड लगा के थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा। मगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दो समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे समीकरण मैक्सिमम से मैक्सिमम समीकरण बन जाते हैं। उस थ्योरी को सॉल्व करते करते हमको समीकरण एक मिल जाता है। तो उस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका हमको कैसे हमको पता है कि नहीं पता, जिसको भी पता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। मगर जिसको नहीं पता उसको तो हमको पहले स्टार्टिंग में समझाना ही पड़ेगा कैसे हम इसका समीकरण सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि कोई समीकरण कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद हम इस चैप्टर के आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे। आइए, जैसे हमारे पास कोई समीकरण है, जैसे हमको दिया गया 3a - 2b = -1। हमको दिया गया है क्या, 3a - 2b = -1। और हमको दूसरा समीकरण मिल गया, क्या मिल गया, 2a - b = 1। ये हमारे दो समीकरण हमको मिल गए, इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। इसमें सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि हमको जो ये पद दिए हैं हमारे, पहला या दूसरा या ये, इसमें जैसे इसमें ए दिया है, इसमें बी दिया है, या फिर इसमें हो सकता है दूसरा कुछ ले ले, एक्स वाई ले ले, या ई एफ ले ले, एम एन ले ले, कुछ भी ले ले, तो 3m - 2n ऐसे कह देगा। तो कुछ भी लेगा मगर हमको एक पद पहले काटना पड़ेगा, तब जाकर दूसरा जो है हमको उसकी वैल्यू निकलेगी या उसका मान निकलेगा। तो इसको काटने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको जोड़ना या घटाना पड़ता है। जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी अगर एक हटाना है हमको, तो दोनों की वैल्यू सेम लानी पड़ती है। दोनों की वैल्यू सेम लाएंगे तभी एक में से दूसरा घटेगा। तो सबसे पहले ऐसे हमको जब समीकरण बनेगा उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे, इसमें कोई ना कोई पद बराबर करेंगे, चाहे पहला पद चाहे दूसरा पद। फिर से समझते हैं, दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे, चाहे पहला पद बराबर कर लें, दोनों का पहला पद बराबर हो जाएगा तब हट जाएगा या कट जाएगा या घट जाएगा, या फिर दूसरा पद बराबर कर लेंगे तब दूसरे में से पहला घट जाएगा या पहले से दूसरा घट जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमको इसका मान निकल जाएगा। जैसे इस न्यूमेरिकल में हम चाहें तो सबसे पहले अगर हम इसकी वैल्यू बराबर कर लें, इसकी वैल्यू बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे, समीकरण एक में यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण एक में दो से गुणा करने पर तथा समीकरण दो में, क्योंकि इसका पहले पद में जो संख्या दिया है वो दो है, इसलिए समीकरण एक में हम दो से गुणा करेंगे, इसी दो से इसमें गुणा कर देंगे और इस तीन से इसमें गुणा कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर इसको हम इसमें गुणा करेंगे, 3 × 2 = 6, सिर्फ इस संख्या से गुणा करेंगे, बस पूरा ए से इसमें नहीं गुणा, केवल इस संख्या से और इस संख्या से इसमें। तो इसके वैल्यू जो 6a, इसको उठा गुणा करेंगे तो 6a - 2 × 4 -
चार बी इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि इससे पूरे समीकरण में गुणा कर रहे हैं और फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तब क्या करेंगे, तीन दूना छः, यहाँ पे हो जाएगा सिक्स ए माइनस थ्री बी माइनस थ्री बी इक्वल टू थ्री, इक्वल टू थ्री इससे गुणा हो जाएगा थ्री। अब यहाँ पे चाहे हम घटा, यहाँ पे अगर हम घटा लें क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है ये प्लस है दोनों के सामने प्लस का निशान लगा हुआ है, इसको हटाना है तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं नीचे आगे, अगर हम क्या लिखेंगे समीकरण एक से, अभी हमारा दूसरा समीकरण बन गया, मान लो इसको तीन मान लो, अगर तीन मान लो इसको चार मान लो, समीकरण नंबर फोर, समीकरण तीन से चार को, समीकरण तीन से समीकरण चार को घटाने पर तो इसमें घटा देंगे, घटाने का मतलब इसको घटाते हैं, इसके सामने निशान लगाते हैं, निशान इसका चेंज हो जाएगा घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस, मीन्स ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो छः में से छः सिक्स ए से सिक्स से घट गया, मीन्स इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो, और माइनस फोर बी में प्लस थ्री बी हो गया, माइनस फोर बी में प्लस थ्री बी हो गया, इसका मतलब बचा क्या बी, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर माइनस बी बच गया, माइनस चार बी से तीन बी जुड़ गया, ऐसे कहो माइनस चार बी में तीन बी जुड़ गया तो हमारा बी बचा, चाहे कह दो थ्री बी में फोर बी घट गया, चाहे कह दो माइनस फोर बी में से थ्री बी जुड़ गया, तो इस तरीके से माइनस बी इक्वल टू ये हो गया माइनस टू माइनस थ्री, मीन्स माइनस दो में माइनस तीन जुड़ गया, हो गया माइनस पाँच, तो इस तरीके से माइनस बी बराबर माइनस पाँच, बी इक्वल टू पाँच, बी इक्वल टू पाँच, तो बी की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, और इसी बी की वैल्यू उठा के हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको आंसर निकल जाएगा, तो बी की वैल्यू पाँच निकल गई, तो बी की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे, अगर इसी बी की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख दें तो इस समीकरण में क्या हो जाएगा 2a, इसी समीकरण में रख ले रहे हैं 2a माइनस पाँच इक्वल टू एक, तो इस तरीके से 2a इक्वल टू, 2a इक्वल टू ये माइनस पाँच इधर है बराबर के उस पार जाएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स 6, 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, तो इस तरीके से हमको a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई, तो समीकरण को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर से बताते हैं एक बार क्या करना है, दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, पहले पद को बराबर कर लें चाहे दूसरे पद को, तो पहले पद को बराबर करना है तो पहला जो इसका जो अंक है इसके अंक से इसमें और इसके अंक से इसमें गुणा करेंगे और ये हमारा बराबर हो जाएगा और बाकी पूरा आंसर हमको निकल जाएगा। अगर इसको नहीं बराबर करना चाह रहे हैं, हम दूसरे पद को बराबर करना चाह रहे हैं तो इसके अंक से इसमें गुणा करेंगे, अगर हम इसको बराबर करना चाहते इसको घटाना चाहते तो क्या करते, तो दो से इसमें गुणा कर देते, इसके सामने एक लिखा है ना, क्योंकि अगर माइनस बी है इसका मतलब वन बी एक बी, तो इस तरीके से बी में से मतलब एक एक से इसमें गुणा कर देते, मीन्स सेम ही वैल्यू आ जाती, तब ये हमारा वैल्यू बराबर हो जाता और तब ये घट जाता तो इसकी वैल्यू निकल जाती। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, तो उसमें आपको समझ में आएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। आइए साथियों हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, जब हमको ये समीकरण वाला सवाल मिलेगा तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे हमारा समीकरण बनता है कैसे सॉल्व होता है। आइए हम देखते हैं क्या दिया है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वह संख्या यक्स है वाई है जेड है ए है बी है कुछ भी मान लेते हैं, तो मान लेते हैं वह संख्या ए है, मानते हैं वह संख्या ए है, तो संख्या के चौथे व पांचवें भाग मीन्स ए बाई फोर प्लस ए बाई फाइव चौथे पांचवें भागों का योग, चौथा भाग और पांचवें भाग का योग कर दिए हम जोड़ दिए, क्या कह रहा है उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, मीन्स इसको जोड़ने पर तीसरे भाग से 28 बड़ा आ रहा है, तीसरे भाग से 28
बड़ा है, मीन्स ए बाई थ्री करेंगे, अगर ए बाई थ्री करेंगे तो माइनस करेंगे ए बाई थ्री इसमें से, तो आ जाएगा 28, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर इससे जो 28 बड़ा है, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 28 हमको मिलेगा। तो बस जैसा कह रहा है हम वैसा करते जाएंगे। क्या करें, चौथे व पांचवे भागों का योग, योग कर दिए, तीसरे भाग से 28 बढ़ा, तो तीसरा भाग ये हो गया और इसमें से ये घटा दिए तो 28 आ जाएगा, तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तो इस तरीके सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व मतलब मीन्स इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। तो क्या हम देखते हैं, हम लोग एलसीएम मतलब भिन्न को जोड़ना सीखे हैं, यहाँ से देखते हैं क्या होता है। 5a प्लस 4a, 5a प्लस 4a अपन 5 को 20, ये होगा मीन्स माइनस a बाई 3, या फिर इसी को ऐसा कह देंगे इक्वल टू 28, या फिर इसको अगले स्टेप में हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 9a। एक स्टेप हमारा ये हो गया, अगला स्टेप हमारा ये हो गया 9a बाई 20 माइनस a बाई 3 इक्वल टू 28, इक्वल टू 28। अभी इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको भी तरीके से गुणा करके सॉल्व कर लें। तो यहाँ से हम करेंगे 3 नवा 27 माइनस 20 है बटे 20 तिहाई 60 बटे हो गया हमारा, बटे में आ गया हमारा 60, 20 तिहाई 60 इसमें दिख रहा है ना, हाँ पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो 20 तिहाई 60 हो गया, तो ये हमारा 60 हो गया। 20a में ये 27 है, तो 27 a माइनस 20 a इक्वल टू 28। तो इस तरीके से हम अगले स्टेप में क्या देखते हैं, अगर 27 a में से 20 a घट गया मीन्स 7a बाई 60 इक्वल टू 28, तो a इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 28 हमारा इधर है ही, ये 60 हमारे इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा और बटे 7 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे 7 के साथ, 7 चौको 28 और 6 चौको 24, 6 चौको 24 मीन्स 240 हो गया हमारा, 240 हमारा आंसर निकल गया, 240 हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बताते हैं, चौथे और पाँचवें भागों का योग, चौथे माने वह संख्या निकालनी थी, संख्या हमने ए मान लिया, ए का चौथा भाग प्लस ए का पांचवा भाग का योग, तीसरे भाग से 28 अधिक है तो योग करके तीसरे भाग को घटा दिए तो 28 आ गया हमारा। तो बस इसको हम सॉल्व किए, जैसे हमने भिन्न जैसे हम सॉल्व करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, इसको सॉल्व कर लिए, डायरेक्ट हमारा एक वैल्यू निकल गई। क्लियर हो गया होगा आपको। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। आइए साथियों देखते हैं क्या दिया हमारा न्यूमेरिकल, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कौन सी है। इसको हम बेसिक से लगाएंगे, हम इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, अपने माइंड में इसको लगा के इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं। दिया क्या है, संख्या कोई है उसका 3/5 36 और 60% भी दिया है साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा अगर माइंड में इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको लगा के सॉल्व करें तभी हमको ज़्यादा आसान पड़ेगा, नहीं तो बीच में हमको भूल भी जाएगा तो हमारा न्यूमेरिकल गलत भी हो सकता है। चलो देखते हैं क्या है, किसी संख्या के 60% का, फिर से एक बार देखें, किसी संख्या के 60% का 3/5, हाँ 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है। फिर से मान लेते हैं वह संख्या जेड है, मान लेते हैं वह संख्या जेड है, तो जेड के 60% का, जेड का 60%, 60/100 कर देंगे 60% निकल जाएगा, जेड का 60% मीन्स जेड गुणे 60/100 या 60Z/100, तो यहाँ पे आ गया 60% का 3/5, का वैल्यू जानते हैं, का मीन्स होता है गुणा का 3/5,
यदि 36 हो मीन्स बराबर 36, बस इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, संख्या पर आधारित न्यूमेरिकल हम लगा ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, इसको सॉल्व छोटा करना चाहे तो कर लें, नहीं तो इसको उस पार ही ले जाकर छोटा करते हैं। तो जेड इक्वल टू, जेड को इधर छोड़ देंगे, बाकी सारे संख्याओं को उधर ले चलेंगे, तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा गुणे में और जो ऊपर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 36 तो हमारा पहले से इधर है, हम क्या देखते हैं कि 10 हमारा नीचे है, 5 भी नीचे है, मीन्स 10 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बटे में ये ऊपर है ये दोनों संख्या ये नीचे आ जाएंगी इधर, मीन्स 6 गुणे 3 इधर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षेत्र का 18 यहाँ पे हो, ये क्षेत्र का 18 है, ये क्षेत्र का 18 है और ये 36 है, मीन्स 18 के 18, 18 दूना 36, ये क्षेत्र का 18 है, 18 दूना 36, भी हमारा कट गया 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, इसका जो हमारा आंसर निकल गया, आंसर हमारा निकल गया 100। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे से न्यूमेरिकलों को फिर से देखिए, किसी संख्या के 60% का संख्या मानते हैं, जेड है या एक्स है, बी है, ए है, कुछ भी मान लेते हैं, 60% जेड गुणे 60/100, 60% का 3/5 3600 मलवीस बराबर 36, बस इसको जो कट रहा है काट के 75 कर लेंगे, जेड की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको वही संख्या ही निकालनी थी। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए साथियों हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, दिया गया है 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है, एक संख्या से 34 अधिक, मानव संख्या ए है, ए ही मान लेते हैं, मानव संख्या ए है, तो 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो 740 का 35% सबसे पहले हम निकालेंगे, फिर वह संख्या हमको डायरेक्टली निकल जाएगी, इसमें कुछ मानने की ज़रूरत हमको नहीं दिख रही है। सबसे पहले क्या करते हैं, 740 का 35%, 740 गुणे 35/100, 35% निकलेगा, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, मीन्स वह संख्या अगर निकालनी है तो जितना आएगा उसमें से 34 कम कर लेंगे तो वह संख्या मिल जाएगी, क्योंकि वो इस जो 35% है वह संख्या से 34 अधिक है, तो 34 अधिक है तो इस वाला संख्या जो है इससे 34 कम है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 हमारा कट गया, 5 दोनों 10 5 735, और इस तरीके से ये 2 भी काटेंगे, 2 तिहाई 6 एक बच गया 2 7, और इस तरीके से हमारा आ गया 37/7, और यहाँ पे हमारा पूरा कट गया, तो हमारी वो संख्या जो हो गई 749, 749 सात्रिक 21, 749 सात्रिक 21, इसका 35% निकल गया, 740 का 35% इतना हो गया, एक संख्या से 34 अधिक है, मीन्स अगर वो संख्या निकालनी है जिस संख्या से वो 34 अधिक है तो इसका मतलब वो संख्या इससे 34 कम है, तो इसमें से हम 34 माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा 5, 9 में से 4 गया 5, और 21 में से 3 गया 18, मीन्स वो संख्या 185 है, 34 अधिक है जिस संख्या से, वो संख्या 185 है, इस संख्या का 2/5 कितना है, तो इस संख्या का 185 का 2/5 निकालना है, तो निकाल दो, इस संख्या का 2/5 मीन्स 5 5 तिहाई 15 ये हो गया, इसमें बच गया 3, और ये हो गया हमारा 35, 5 7 35, तो 37 × 74 37 × 74 ये हमारा आंसर निकल गया। इस तरीके से जो हमसे कह रहा है वही हम करते गए, हमारा आंसर निकल गया। फिर से समझिए, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है,
740 का 35% कितना गया, एक संख्या से 34 अधिक है कह रहा है, ये संख्या जो है 34 अधिक है, तो संख्या से 34 कम है, तो मीन्स इसमें 34 माइनस कर दिए, 34 हम माइनस कर दिए तो 185 आ गया। और तो इस संख्या का 2/5 निकालना है, इस संख्या का 2/5 मैंने निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया 74। विकल्प में हमको क्या क्या दिया है, अच्छा ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया है, विकल्प में दिया गया है 90, 45, 120, इनमें से कोई नहीं, 90, 45, 120 इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग समझ रहे होंगे इसमें कौन सा सही है। आइए हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अभी हमने देखा, हम देख रहे हैं कि इसमें जो सात, जब हम इसमें गुणा किए सात का, तो 7 × 49 का 9 तो लिखे, मगर इसमें हासिल हमारा 4 हो गया, 4 तो हमने जोड़ा ही नहीं, 7 × 49 का 9 हासिल हो गया 4, और 7 × 21 में 4 और जुड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 21 × 4 = 25। फिर से देखते हैं, 7 × 49 का 9 हासिल हो गया 4, और 7 × 21 = 25। आप कहें ये संख्या किसी संख्या से 34 अधिक है, तो मीन्स जो संख्या है वो इससे 34 कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 3 का 2 और 2, मीन्स वो संख्या ये हो गई 225। और 225 का 2/5 निकालना है, तो इस संख्या का 2/5 निकालेंगे तो 5 × 5 = 20, और यहाँ पे 2 बच गया, 5 × 5 = 25, 45 × 90, 45 × 90 ठीक से बना दें, 45 × 90, और इस तरीके से 90 हमारा आंसर हो गया, 90 हमारा आंसर हो गया। चलिए साथियों हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। साथियों दिया है किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है, किसी संख्या के 55% तथा 25% का अंतर इतना है, तो मान लेते हैं वो संख्या हमारा हमारा एक्स है, तो 55x/100, चाहे इसको एक्स को हम आगे करें चाहे पीछे करने बात सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक्स गुड़े 55/100 कर दें चाहे 55% निकालने के लिए, तो एक्स गुड़े 55/100 चाहे 55x/100, तो 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर, मीन्स इसी संख्या का 25% का अंतर, 55% मीन्स 55x/100 माइनस 25x/100 का अंतर जो है 11.10 है, ये हमको मिल गया संख्या। तो यहाँ से हम लेकिन 55 में से 25 घटाएंगे, हमको मिल जाएगा 30, 55 में से 25 घटाएंगे 30x/100, क्योंकि एलसीएम इसमें हमको लेना नहीं है, हर हर इसका सेम है, =100 = 11.10। तो यहाँ से चाहे तो हम इसको 1 0 से 1 0 काट लें, चाहे इसको डायरेक्टली हम गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x = ये 2 0 इसमें है, यहाँ पे 2 अंक दशमलव लगा है, मीन से हो जाएगा ये, या फिर 1 0 से 1 0 काट ही लो, जहाँ पे संख्या छोटी हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगा 111, ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि इसमें 1 0 है, 10 से इसमें गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 111, और यहाँ पे ये हमारा 3 गुणे में है, ज़रा भाग हो जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे 2 बच गया, 21 हो गया, 3 × 7 = 21, तो संख्या हमारी हो गई 37, तो संख्या हो गई हमारी 37। तो उस संख्या का 75% कितना है, संख्या का 75% निकालना है, विकल्प हम देखते हैं, विकल्प में सारे ऑप्शन जो है दशमलव में दिए गए हैं, तो बस क्या करना है, 37 हमको संख्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, उसको 75% निकालना है, इट मीन्स 37 × 75 = 100 कर दो, चाहे तो इसको थोड़ा 60 में भी कर सकते हो, 75/100 मीन्स 3/4 भी कर सकते हो, मीन्स 75/100 है, उसको 25 से काटोगे, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 कट गया हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 3 × 7 = 21,
इसको आगे हम सॉल्व करें, 3 7 21 और 3 3 9, 9 2 11, फिर से हमको वही आ गया, 3 से काटने पर इतना आया था, 3 से गुणा करने पर उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 111/4, तो 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 2 8, यहाँ पे 3 बज गया, 31 हो गया, 4 7 28, फिर हमारा 3 बज गया, दशमलव लग गया, 30 हो गया, 4 7 28, मीन्स ये 7 7 आता रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बैंक पीओ में पूछा गया, न्यूमेरिकल है, इसीलिए इसमें इतना ये ऑप्शन जो है दशमलव में दिया ही है, सारे ऑप्शन इसके दशमलव में ही हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते एक मोटिवेशन हो जाए कि लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम पाना लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, तो हमने भी कह दिया जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश हमें नहीं है।